दोस्तों देखा जाए तो इस समय भारतीय कंपनियां दुनिया की हर कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अगर बात करें भारत के टायर कंपनियों की तो वे न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि अमेरिकी मार्केट में अमेरिकन कंपनियों को भी काफी कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि भारत में बनने वाले टायर दुनिया भर में काफी ज्यादा मशहूर है और अमेरिका के साथ साथ बड़े बड़े देशों में भी इनको इम्पोर्ट किया जाता है, जिस वजह से अमेरिका की कंपनी सेक्टर में काफी लोश झेल रही थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अब आखिरकार भारत की टायर कंपनियों पर ही बैन लगा दिया है। अब आपको इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि भारत में बने टायर कैसे दुनिया भर में फेमस है और अमेरिका ने आखिरकार इस पर क्यों बैन लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो भारत के अंदर लगभग हर तरह के प्रोडक्ट और आइटम की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन OTR यानी कि ऑफ द रोड टायर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर भारतीय कंपनियों का एक तरफा बोलबाला है, जिसके तहत भारत की कंपनियां अमेरिका के टायर मार्केट में मौजूद बाकी सभी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही थी, जो एक ऐसा कंपटीशन था जिसमें अमेरिका की कंपनियां भारतीय कंपनियों से कंपीट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भारत में बने ऑफ द रोड टायर ना सिर्फ क्वालिटी के मामले में वर्ल्ड क्लास है, बल्कि इनकी कीमत भी अमेरिकन टायर के मुकाबले काफी कम होती है, जिस वजह से अमेरिका में इस बात की डिबेट काफी तेजी से बढ़ने लगी कि अगर भारतीय कंपनियां ऐसे ही अमेरिका को अपने टायर सप्लाई करती रहेगी तो आखिर में अमेरिका की डोमेस्टिक कंपनियों का क्या होगा, जिसके बाद कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत के खिलाफ कंप्लेंट करना शुरू कर दी। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले OTR टायर्स पर जो टैरिफ लगाया था वे आने वाले कई सालों तक जारी रहेगा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसे हमारे भारत के लिए एक सीधा सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले OTR टायर्स पर अमेरिका ने साल 2017 में ही टैरिफ लगाए थे और अब इसके 6 साल बाद अमेरिका सोच रहा था कि शायद उन्हें भारतीय टायर पर से टैरिफ हटा देना चाहिए, पर जब अमेरिका ने सर्वे कंडक्ट किया तब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर उन्होंने टैरिफ हटाया तो भारतीय कंपनियां एक बार फिर से अमेरिका की मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर देगी, जिससे अमेरिकन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के वर्कर्स और बिजनेस पर एक सीधा खतरा आ सकता है, जिसे रोकने के लिए आखिरकार अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने यह फैसला लिया कि वह भारत के OTR टायर पर लगे टैरिफ में बदलाव नहीं करेंगे। दोस्तों, आज भले ही अमेरिका के अंदर हेवी व्हीकल का एक बड़ा इकोसिस्टम मौजूद है, लेकिन आज भी अमेरिका इसमें लगने वाले ऑफ द रोड टायर भारत जैसे देशों से ही इंपोर्ट करता है। बता दें कि ऑफ द टायर्स का इस्तेमाल क्रेन्स, हेवी ट्रक्स और अर्थ मूवर्स जैसे वाहनों में किया जाता है, जो भारत की कंपनियां काफी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बनाती है। इसकी वजह से ऑफ द रोड टायर की सप्लाई कई पश्चिमी देश भारत से ही खरीदना पसंद करते हैं, जिसमें कई अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है, जो भारतीय कंपनियों से टायर खरीदकर अपने मार्केट में भारी प्रॉफिट मार्जिन के साथ सप्लाई करते हैं। पर अब क्योंकि भारतीय टायरों पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन पहले जैसा नहीं रहा और कई अमेरिकी डोमेस्टिक कंपनियों को भी अब अपने टायर देश के मार्केट में ऊपर उठाने में मौका मिलेगा। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में भारत ने 17,000 करोड़ से भी ज्यादा के टायर सप्लाई किए थे, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था और अमेरिका के अलावा जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे देश भी भारत के ऑफ द रोड टायर के काफी बड़े मार्केट हैं। ऐसे में अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अमेरिका भारतीय टायरों पर लगा इस बैन को कब हटाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के साथ $1 बिलियन की डील करने के लिए 3 बड़े देश कूद पड़े हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल है। ऐसे में जहां तीनों ही देश अपनी तरफ से इस डील को फाइनल करने की कोशिश में लगे हैं, तो उसी बीच ब्रिटेन ने आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका और फ्रांस को हैरान करके रख दिया है।
क्योंकि ब्रिटेन अब बाकी दोनों देशों से आगे बढ़कर भारत को एक काफी अच्छी डील ऑफर कर रहा है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस डील को ब्रिटेन के साथ ही अब फाइनल कर सकता है, जबकि बाकी दोनों देश यानी कि अमेरिका और फ्रांस की अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और किस डील को लेकर ये तीनों देश अब मैदान में उतर आए हैं और क्या कुछ चल रहा है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत अपने एमकॉम फाइटर विमान के लिए एक शक्तिशाली और एडवांस इंजन को विकसित करना चाहता है जो 10 किलो न्यूटन तक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगा। लेकिन इस इंजन में यह सुविधा भी मौजूद होगी, जब हम एमकॉम मार्क 2 या अपने भविष्य के फाइटर विमानों को विकसित करेंगे तब हम इसी इंजन को अपग्रेड करके इसकी ऊर्जा क्षमता को 110 किलो न्यूटन से बढ़ाकर 130 किलो न्यूटन तक भी कर सकेंगे। मतलब भारत जिस नए इंजन को बनाने की बात कर रहा है वह ना सिर्फ काफी एडवांस होगा बल्कि बेहद ही ताकतवर होगा। ऐसे में इस इंजन को डेवलप करना और भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होने वाली है, इसलिए भारत ने यह डिसाइड किया है कि वह एमका के इंजन को अकेले नहीं बल्कि फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप करेंगे और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आगे निकल कर सामने आए हैं। लेकिन भारत के साथ इस इंजन की ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए अब ब्रिटेन ने भारत को जो ऑफर दिया है वह सभी को हैरान कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने यह बात क्लियर कर दी है कि इस इंजन को डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से उच्च स्तर की क्लियरेंस दी जा चुकी है। यानी कि अगर रोल्स रॉयस को भारत अपने इंजन प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में चुनता है तो हमें इस इंजन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ भारत अपने मुताबिक भविष्य में इस इंजन को अपग्रेड करने और अपडेट कर सकेगा बल्कि हम इस इंजन को अपने फायदे के विमानों में इंटीग्रेट करके मित्र देशों को भी इंपोर्ट कर सकेंगे और इसके लिए हमें ब्रिटिश सरकार की परमिशन भी नहीं लेनी होगी, जो कि एक ऐसा ऑफर है जिसे अभी तक सिर्फ ब्रिटेन ही भारत को दे सका है, वरना फ्रांस और अमेरिका अभी इसे लेकर सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच फ्रांस और अमेरिका भी अपनी डील के लिए भारत को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले ही सैफ्रोन के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई थी ताकि भारत सैफ्रोन के साथ अपनी डिफेंस और स्पेस पार्टनरशिप को बढ़ा सके। साथ ही वे चाहते हैं कि इस नए इंजन प्रोग्राम में भारत फॉरेन पार्टनर के तौर पर फ्रांस को ही चुने। वहीं पर अब अमेरिका की तरफ से भी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत में ही इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस इंजन प्रोग्राम पर फाइनल क्लियरेंस आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ इंडो पैसिफिक और चीन को काउंटर करने के लिए अपनी पार्टनरशिप पर ध्यान दे रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो जाए। हालांकि अमेरिका अभी भी आईपीआर पर सोच विचार कर रहा है, जबकि ब्रिटेन ने फ्रांस और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत को खुलेआम आईपीआर भी ऑफर कर दी है। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील में ब्रिटेन भारत का सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता है। हालांकि जिस तरह से ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नए इंजन को डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।